सब्सक्राइब कीजिए धे आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बीते दिनों चीन ने नए युग में चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा शीर्षक नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया था। श्वेत पत्र में कहा गया कि चीन भारत के साथ सीमा पर स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहता है। इसके अलावा श्वेत पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि चीन डोकलाम मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान के लिए अनुकूल परिस्थितियां चाहता है, जिससे मुश्किलों का हल आसानी से निकाला जा सके। गौरतलब है कि चीन द्वारा जारी श्वेत पत्र में अमेरिका की एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक कदमों की जमकर आलोचना भी की गई है। डीएनएस में आज हम आपको चीन द्वारा जारी श्वेत पत्र के बारे में बताएंगे, साथ ही समझेंगे भारत चीन के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। चीन द्वारा जारी श्वेत पत्र के कुछ अहम मकसद हैं। इनमें भारत चीन की सीमाओं के बीच आक्रामकता को रोकने की पहल, ताइवान की आजादी का विरोध, तिब्बत की आजादी और तुर्किस्तान के खात्मे जैसे अलगाववादी आंदोलनों के समर्थकों पर नकेल कसने जैसी बातों का जिक्र किया गया है। भारत के लिहाज से श्वेत पत्र में भारत चीन सीमा पर सुरक्षा और स्थिरता को बेहतर बनाने की बात कही गई है। श्वेत पत्र में कहा गया है कि बीते दिनों डोकलाम विवाद ने दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल पैदा किया था, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तलखी आई है। चीन द्वारा जारी श्वेत पत्र में भारत, अमेरिका, रूस और अन्य देशों की तुलना में चीन के सैन्य विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। श्वेत पत्र में कहा गया है कि वैश्विक सैन्य प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। दुनिया भर के बड़े देश अपनी सुरक्षा व सैन्य रणनीतियों और सैन्य संगठनात्मक ढांचों में बदलाव कर रहे हैं। पूर्ण सैन्य श्रेष्ठता पाने के लिए अमेरिका नई तकनीक के जरिए आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा रूस भी अपने न्यू लुक सैन्य सुधार की दिशा में काम कर रहा है, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और भारत जैसे देश अपनी सेनाओं और रक्षा बजट की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। श्वेत पत्र में यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य प्रतिस्पर्धा में ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। आईटी पर आधारित नई और उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरण तेजी से विकसित हो रहे हैं। चीन ने श्वेत पत्र में अपने भारी सैन्य खर्च को कम दिखाने की कोशिश की है, जबकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन रक्षा क्षेत्र में खर्च के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। श्वेत पत्र के तहत चीन के रक्षा खर्च को उचित ठहराया गया है और साथ ही कहा गया है कि चीन देश के विकास और सुरक्षा दोनों पर ध्यान देता है। दरअसल श्वेत पत्र एक आधिकारिक रिपोर्ट होती है, जिसके जरिए जटिल मुद्दों को समझा जा सकता है। गौरतलब है कि चीन में 1998 से जारी राष्ट्रीय रक्षा पर यह 10वां श्वेत पत्र है। नए युग में चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा शीर्षक से जारी यह श्वेत पत्र चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों से रूबरू कराता है। भारत चीन संबंधों की बात करें तो भारत और चीन एशिया की दो प्राचीन सभ्यताओं और एशिया की दो बड़ी महाशक्तियों में से एक हैं। भारत चीन की तलखी में सीमा विवाद मुख्य वजह रहा है। सीमा विवाद के ही कारण दोनों देश 1962 में जंग के मैदान में आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच लगभग 3,500 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस सीमा में अरुणाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक के इलाके शामिल हैं। अभी भी सीमा पर मौजूद कुछ इलाकों को लेकर विवाद है, जो कभी कभी तनाव की वजह बन जाते हैं। 2017 में हुआ डोकलाम विवाद पिछले 5 सालों में भारत चीन तनाव की मुख्य वजहों में से एक है। डोकलाम विवाद में भारत ने पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया था। गौरतलब है कि भारत डोकलाम क्षेत्र पर चीन के दावे को खारिज करता है। डोकलाम के कुछ इलाके भारत की सीमा के अंदर आते हैं, जबकि बाकी के भूभाग पर भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। इससे पहले इस क्षेत्र में 1967 में भी चीन और भारत के बीच विवाद हुआ था। इसके अलावा चीन की BRI परियोजना भी भारत चीन संबंधों के बीच बढ़ती खाई की मुख्य वजह है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाला पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा यानी CPEC भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा बांग्लादेश चीन आर्थिक गलियारा भी भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। गौरतलब है कि बीते दिनों चीन में हुए दूसरे BRI समिट में भारत इन्हीं सब वजहों से शामिल नहीं हुआ था और उसने चीन की BCIM यानी बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार आर्थिक गलियारे से खुद को बाहर कर लिया।
हालांकि चीन दक्षिण एशिया में कुछ और भी देशों के साथ अपनी BRI परियोजना को बढ़ा रहा है, जिसमें चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा और नेपाल चीन आर्थिक गलियारा शामिल है। हिंद प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी भी भारत के लिए चिंता का विषय है। हिंद महासागर के देशों में बंदरगाह, नौसेना बेस और निगरानी पोस्ट बनाकर चीन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अपना प्रभाव मजबूत करना चाहता है। चीन की मंशा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ तो वो दक्षिण चीन सागर में किसी भी गतिविधि का विरोध करता है, तो वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी दखलंदाजी से गुरेज नहीं करता। जानकारों का मानना है कि अफ्रीका के हॉर्न जिबूती में अपना पहला ओवरसीज बेस स्थापित करने और कराची में नौसैनिक टर्न अराउंड सुविधाएं जारी करने के बाद चीन अब हिंद महासागर क्षेत्र में भी घुसपैठ कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा वक्त में चीन को नजरअंदाज करना भारत के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। हिंद महासागर में चीनी नौसेना के बढ़ते दखल के बाद भारतीय सेनाओं को चीन को जवाब देने की जरूरत है। कुछ दिन पहले नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह ने कहा कि चीन ने अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की अन्य इकाइयों से PLA नेवी में काफी संसाधन भेजे हैं और भारत को इसकी सावधानी पूर्वक निगरानी करनी होगी। मौजूदा वक्त में चीन भी कई संकटों से घिरा हुआ है। इनमें अलगाववादियों के खिलाफ लड़ाई, क्षेत्रीय संप्रभुता पर विवाद और समुद्री सीमांकन जैसे मसले शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर के चलते दोनों देशों के बीच शीतयुद्ध जैसी स्थिति है। UN की एक स्टडी के मुताबिक चीन अमेरिका ट्रेड वॉर के कारण भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी देश है जो अमेरिकी और चीनी कंपनियों की जगह लेने की आर्थिक क्षमता रखता है। मौजूदा वक्त में चीन का रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और भारत जैसे देशों के साथ चीन का ग्लोबल मिलिट्री कॉम्पिटिशन भी है, क्योंकि ये सभी देश अपने सैन्य बलों की संरचना को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि इन सब बातों के बावजूद भारत और चीन के व्यापारिक संबंध अपने शिखर पर हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर अपार संभावनाएं हैं। भारतीय विदेश नीति शुरू से ही पड़ोस पहले की नीति पर काम करती आई है। ऐसे में दोनों देशों के बीच पंचशील जैसे समझौते भी हुए हैं। 1954 में हुए पंचशील समझौते के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और पारस्परिक संप्रभुता का सम्मान करने पर सहमत हुए थे। इसके अलावा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ की मानसिकता रखना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर बल देने जैसी बातों का जिक्र पंचशील समझौते में हुआ था। आज पंचशील नाकाम जरूर हो गया है, लेकिन भारत आज भी चीन से अपेक्षा करता है कि पंचशील के 5 बिंदुओं का अगर वो अपने अंतर्राष्ट्रीय आचरण के दौरान पालन करे तो दोनों देशों के बीच मौजूद सीमा विवाद को आसानी से हल किया जा सकता है।